जानकारी है। प्रतापगढ़ के प्रयागराज में राष्ट्रीय राजमार्ग के रामनगर गंसियारी टोल प्लाजा कर्मियों ने विश्वासनाथगंज विधायक डॉक्टर आर के वर्मा के सिक्योरिटी गार्ड और समर्थकों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और मामले में विधायक आर के वर्मा ने सफाई देते हुए टोल कर्मियों पर नशे की हालत में अभद्रता करने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि शनिवार शाम करीब 7 बजे के आसपास विश्वनाथ के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा प्रयागराज जा रहे थे। आरोप ये है कि प्रयागराज जाते वक्त टोल प्लाजा शुल्क मांगने पर विधायक के समर्थकों ने दबंगई दिखाई और टोल प्लाजा के कर्मचारी को जमकर मारा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसके बाद शिकायत टोल प्लाजा के मैनेजर दीपक सिंह ने मऊआईमा में थाने में की है। ड्यूटी कर रहा था उस समय एक गाड़ी है जिसपे विधायक जी का पास लगा हुआ था, वो भी 2019 का था। तो हमने उनसे पूछा कि किसकी गाड़ी है, ये 2019 का पास है। तो उन लोगों ने बताया कि डॉक्टर आर के वर्मा का है। तो मैं एग्जाम करने वाला ही था, तब तक उनका गनर उनका एक आदमी उतर के हमको मारने लगा। आज शराब पी करके लोग बैठे हुए थे और मेरे साथ मेरी एक और गाड़ी थी, तो उन लोगों ने बिल्कुल पास करने से मना कर दिया और बैरियर को नहीं हटाया। तो मैं जब नीचे उतर करके आया तो कुछ लोगों ने गाली गलौज कर दिया और शराब के नशे में थे, शायद मेरे सुरक्षाकर्मी नहीं होते तो मेरे साथ मारपीट करते और न जाने क्या सलूक हो जाता। तो निश्चित रूप से मैं इसकी शिकायत NHAI को भी करूंगा और उच्च अधिकारियों को करूंगा कि इस तरीके से लोगों के द्वारा जो क्षेत्रवासियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है उस पर अंकुश लगाया जाए। और तमाम जानकारी के साथ संदीप तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। संदीप, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिन जन प्रतिनिधियों को ये पद दिया जाता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की रक्षा करें, वही अगर ऐसी घटनाओं में शामिल होंगे, वही अगर ऐसे कारनामों में शामिल होंगे तो किससे उम्मीद की जाएगी? देखिए, अब अपने सफाई में चाहे जो भी विधायक महोदय बोल रहे हों, लेकिन जिस तरीके से वो खड़े हुए हैं और उनके गनर और उनके साथ चल रहे दो और व्यक्ति जो कि साफ तौर से सीसीटीवी में देखे जा सकते हैं, दौड़ाकर पीट रहे हैं जो भी उनके सामने पड़ रहा है, जो टोलकर्मी उनके सामने आ रहा है वो उसी को मारना शुरू कर दे रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो विधायक जी थे उनके सह पर ही उनके लोगों ने टोलकर्मियों को पीटा, टोलकर्मियों ने अभद्रता की या उनके साथ बदतमीजी की, तो उसकी शिकायत की जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके की दबंगई टोल प्लाजा पर विधायक जी और उनके साथियों द्वारा, सहयोगियों द्वारा दिखाई गई, वो कहीं से भी उचित नहीं कही जा सकती है। टोलकर्मियों का स्पष्ट रूप से कहना था कि उन्होंने 2019 का पास देखा और जब उन्होंने पूछा, पर्चे मांगा, तो वो बात उनको नागवार गुजरी। गुस्से में उन्होंने जो है गाड़ी से उतरा और उनके लोग उतर के साथ ही उनका जो गनर है, जो सरकारी गनर है, पुलिस की वर्दी में आप देख सकते हैं, वो जो है उन लोगों के साथ मारपीट करने लगा। उनका आरोप यह भी है कि उन गनर और उनके सहयोगियों ने वहां पर लूटपाट की कोशिश भी की। फोन पर जब मेरी बात हुई तो उन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन लोगों ने काफी देर तक वहां पर हंगामा किया और साथ ही नुकसान भी काफी पहुंचाया है टोल प्लाजा को। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अभी तक कर ली गई है? अभी तक फिलहाल जो है टोल प्लाजा की तरफ से शिकायत मऊआईमा थाने में दी गई है, लेकिन अब पुलिस जांच के बाद ही कुछ करेगी। जब बात जब विधायक जी की है तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी उसको इतनी जल्दबाजी में कोई कार्य करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर खुद सीसीटीवी में विधायक जी मौजूद दिख रहे हैं कि वो खड़े हुए हैं और उनके लोग वहां पर हंगामा कर रहे हैं। स्वाभाविक है, लेकिन बहुत बड़ी लापरवाही भी है। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाता है, बावजूद इसके अगर पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही है तो पुलिस के ऊपर भी अभी सवाल निशान खड़े हो हैं कि आखिर विधायक जी को बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है या फिर पुलिस किसी दबाव में है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका।